हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन टिप्स माही। आज दम का गोश्त बनाने जा रही हूँ काली मिर्ची के साथ। इसके लिए हाफ के जी मटन ले लिया है मैंने, 2 से 3 डली प्याज कट करके रख लिया है। गोश्त में अदरक लहसुन और नमक डाल के गलने के लिए छोड़ दिया है। प्याज और खड़े मसाले डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। खोपरा पीस के डाल लेंगे। गोश्त गल चुका है, इसमें ऐड कर लेंगे मसाले में। दही डाल के भून लेंगे, फिर काली मिर्च का पाउडर 2 चम्मच डाल के नींबू ऐड करके दम के लिए छोड़ देंगे। जायका बहुत अच्छा रहता, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी आपको रेसिपी दम के गोश्त की। रोटी और चावल के साथ भी अच्छा रहता है ये गोश्त दम का। चावल के साथ में पुदीने की चटनी रहे तो और लाजवाब रहता। आज मैं शेयर कर रही हूँ पुदीने की चटनी। स्ट्रक्चर कितना अच्छा है देखिएगा। पुदीने की चटनी के लिए मैंने हरा मसाला यानी पुदीना बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, हरा धनिया, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा, मैंने इमली को भी डाल लिया है, ऑप्शन है, आप नहीं डालना चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये 8 दिन तक रहती है ऐसा तलिए तो। और भी कई वीडियोस लेके आऊँगी, तब तक के लिए।